दोस्तों, अगर आप एक क्रिकेटर बनने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल हमेशा आता होगा कि क्रिकेटर बनने में कितने पैसे खर्च होते हैं या फिर कितने पैसे लगते हैं। क्योंकि यार, अगर आप एक बार क्रिकेटर बन जाते हो तो आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत, संघर्ष और समय देना पड़ता है, और साथ में पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि क्रिकेटर बनने में कितने पैसे खर्च होते हैं और कितना समय लगता है और साथ में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको मोटिवेट करने के लिए दो लाइनें कहना चाहता हूँ। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी तो मंजिल की चढ़ान बाकी है, अभी तो हौसलों का इम्तिहान बाकी है, लेकिन एक बार कोशिश करके देखो मेरे दोस्त, अभी तो तेरे सपनों की उड़ान बाकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि क्रिकेटर बनने में कितना समय लगता है। दोस्तों, अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है कि भाई, क्रिकेटर बनने में कितना समय लगेगा, मैं कितने साल में इंटरनेशनल खेल लूंगा। इसी प्रकार के सवाल हमसे हर बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप उसी दिन क्रिकेटर बन जाते हो जिस दिन आप क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हो और एकेडमी ज्वाइन कर लेते हो। ठीक उसी तरह जिस दिन आप एक स्कूल ज्वाइन करते हो उसी दिन आप एक स्टूडेंट बन जाते हो। तो दोस्तों, क्रिकेटर बनने में समय नहीं लगता, बल्कि आपको उस लेवल पर पहुंचने में समय लगता है जिस लेवल पे आपको पैसा और इज्जत दोनों मिलती है। और ये बात आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना अच्छा खेलते हैं और आपका माइंडसेट कैसा है। और सबसे खास बात कि आप क्रिकेट के प्रति इंटरेस्टेड हो या नहीं, और इंटरेस्टेड भी हो तो कितना इंटरेस्टेड हो, आप क्रिकेट को कितना समय दे रहे हो। क्योंकि दोस्तों, समय तो हर काम में लगता है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस काम को किस तरीके से करते हो। और उदाहरण के लिए आपको बता दें कि आपको कम से कम 4 से 5 साल एक अच्छे लेवल पर पहुंचने में समय लग ही जाता है, और अगर आप कुछ अलग करके दिखाते हो तो उससे कम समय में भी आप क्रिकेटर बन सकते हो, उस लेवल को अचीव कर सकते हो। लेकिन थोड़ी सी भी गलती इस सफर में आप करते हो तो आपको खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यार आजकल 100 में से 50% बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, और वो मेहनत तो करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन एक चीज की कमी उन्हें क्रिकेटर बनने से रोक देती है, वो कमी है धैर्य। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्रिकेटर बनने में कितने पैसे लगते हैं, क्योंकि यार बहुत से लोगों के दिमाग में एक कूड़ा घुसा हुआ है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता हूँ। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि ये बताओ कि पढ़ाई में कितने पैसे खर्च होते हैं, और अगर आप पैसे खर्च करके एक अच्छा स्टूडेंट बन भी जाते हो तो क्या गारंटी है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो यार मेरी बातों को समझो, पैसे पढ़ाई में भी लगते हैं और पैसे क्रिकेट में भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन बात यह है कि कोई सरकारी स्कूल में पढ़ करके भी IAS कंप्लीट कर लेता है और कोई इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ करके कुछ नहीं उखाड़ पाता है। तो यार ये भ्रम अपने दिमाग से निकालो कि सिर्फ पैसे वाले ही क्रिकेटर बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज इंडियन टीम में 11 में से 9 खिलाड़ी मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर आगे आए हैं। और आपको बता दें कि अगर पैसे मायने रखता तो सचिन तेंदुलकर का बेटा भी आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता। और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा तो रोहित शर्मा, उमेश यादव जैसे प्लेयरों की बायोग्राफी जाकर के पढ़ लो, फिर बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। और एक बात फिर से आपको कन्फर्म कर दें कि पैसे मायने नहीं रखता है, टैलेंट और मेहनत मायने रखता है। भाई ऐसा नहीं कि क्रिकेटर बनने में पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन आप सोचो कि अगर आप एक बार क्रिकेटर बन जाते हो तो आपको उससे, मतलब आपकी सोच से ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप जिस मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोबाइल 10,000 के आसपास का ही होगा। और अगर आप 10,000 रुपये मोबाइल खरीदने के लिए आपके पास हैं, तो आप 10,000 रुपये में 5 महीने आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है कि पैसे की प्रॉब्लम सबको होती है, तो क्या पैसे के चक्कर में अपना सपना छोड़ दें? पैसा आज आएगा कल चला जाएगा, लेकिन मुकाम अगर एक बार हासिल हो जाए तो वो फिर मिसाल बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा हेल्प इस वीडियो से जरूर हुआ होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल खेल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर पहले से ही कर लिया है तो उसके लिए थैंक्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।